हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में। और परमाणु संरचना में हम लोग डाल्टन का मॉडल कर चुके हैं। हम लोग डाल्टन के बाद हमने पढ़ा थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम यानी कि तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसे हमने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा। और आज बारी है आखिरी मॉडल पढ़ने की, जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। किसने दिया ये मॉडल ऑफ एटम? नील बोहर ने दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी डिटेल भी हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, किसने खोजा। तो आप लोग जानते हैं कि थॉम्सन ने अपने मॉडल में पहली बार इलेक्ट्रॉन की बात की। फिर हमने देखा प्रोटॉन क्या है, किसने खोजा। तो प्रोटॉन आप लोग जानते हैं कि गोल्डस्टीन ने खोजा। और हमने रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस की बात की, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है। फिर हमने जाना कि न्यूट्रॉन किसने खोजा, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा। और न्यूट्रॉन भी कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने एक एक करके सारे मॉडल डिस्कस कर लिए हैं, और अब बारी है हमारे लास्ट मॉडल की, जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो आइए शुरू करते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, देखिए बोहर जो था, इसका पूरा नाम क्या है? तो बोहर का पूरा नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना है, नील बोहर। पूरा नाम क्या है? नील बोहर। नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार क्या खास बात बताई? तो देखो, ये है हमारा एटम, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एटम जो नील बोहर ने बताया वो क्या था। आप जानिए इसकी डिटेल, जो इसकी खास बात थी वो। तो इनकी खास बात थी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जगह बता दी। इन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, और उस जगह को नाम इन्होंने दिया ऑर्बिट, या इसको ही बोलते हैं शेल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कक्ष या कक्षा। इन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर कुछ कक्षाएं हैं। ठीक है, एटम के अंदर कुछ कक्षाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़े सारे घर में कुछ कमरे हैं, उन कमरों में इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, एक बड़े सारे घर में कुछ कमरे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, और उन कमरों को इन्होंने नाम दिया। अब देखो, इन्होंने क्या दिया? ऑर्बिट या शेल। अब इन्होंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला कि ये है हमारा नाभिक यानी न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इन्होंने बोला कि इस नाभिक के बाहर होते हैं कमरे, और ये है हमारा पहला कमरा, जिसका इन्होंने नाम दिया के। क्या नाम दिया? के नाम दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला पहले कमरे के बाद आएगा दूसरा कमरा, जिसको मैं अपनी मर्जी से नाम दूंगा एल। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि इन्होंने के ही क्यों रखा, ए बी सी डी क्यों नहीं रखा? इनकी मर्जी। पहले कमरे का नाम के, दूसरे का नाम एल, तीसरे का नाम एम, और एम के बाद कौन सा आएगा? एम के बाद आएगा एन, फिर ओ पी क्यू आर एफ टी। समझ में क्या आया आपको? पहला कमरा क्या है? पहला कमरा, या मैं बोलूं पहला कक्ष कौन सा है, तो आप बोलोगे के है। दूसरा कक्ष कौन सा है, तो आप बोलोगे एल है। तीसरा कक्ष कौन सा है, तो आप बोलोगे एम है। और चौथा कक्ष कौन सा है, चौथा कक्ष कौन सा है, तो आप बोलोगे एन है। जनरली यहीं तक हम कहानी को लेकर जाते हैं। अब क्वेश्चन आया कि भाई कमरे तो आपने बता दिए कि ये कमरा है, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, लेकिन उन कमरों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने ये भी बताया कि पहला कमरा है के, ये छोटे साइज का है, इसीलिए इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एल में इन्होंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एम में इन्होंने कहा 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और एन में इन्होंने कहा 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं बोल दिया, इन्होंने एक रूल दिया। क्या दिया? एक रूल दिया, एक रूल दिया, जो कि था 2n² रूल, 2n² रूल, जिसे बोहर फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोहर फॉर्मूला यानी बोहर सूत्र, बोहर सूत्र। ये 2n² रूल क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको कभी भी निकालना है कि किसी भी कक्ष में
किसी भी कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप 2n स्क्वायर लगाओगे। अब आपका क्वेश्चन है कि ये n क्या है, तो n है कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या यानी ऑर्बिट नंबर, यानी ऑर्बिट नंबर। अब समझो इस बात को, पहला कक्ष क्या है k, तो k का n क्या होगा, k पहला कक्ष है तो k का n, n का मतलब कक्ष की संख्या, कौन सा कमरा है k, पहला, तो n होगा 1, l कौन सा कमरा है, दूसरा, तो n क्या होगा 2, m कौन सा कमरा है, तीसरा, तो m क्या होगा 3, n कौन सा कमरा है, चौथा, तो चौथे की ऑर्बिट संख्या क्या होगी 4। अगर मैं आपको बोलूं q की, आपको मैं बोलूं आप मुझे p की, p का n बताओ, तो आप बोलोगे k का पहला है, k का पहला, l का दूसरा, m का तीसरा, n का चौथा, फिर आएगा o, o का पांचवा, तो p का क्या आएगा, सिक्स्थ, छठा आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकाले, मैंने आपको बता दिया है कि k में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं, N में 32 होते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो निकालेंगे 2n स्क्वायर से। मैंने आपसे पूछा K में इलेक्ट्रॉन बताओ, K में इलेक्ट्रॉन बताएं, तो आपने बोला कि K का N क्या होता है 1, और इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, तो 2 की जगह 2, n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2, 1 का स्क्वायर 1, तो आ गया 2। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कहा था ना। l में करके देखते हैं, l में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो l के अंदर n क्या है, l का 2, क्योंकि दूसरा कमरा है l, तो 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 into 4 यानी 8 आ गया क्या इलेक्ट्रॉन। L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसी तरीके से आप M और N के भी निकाल लोगे। तो बोहर ने क्या बताया स्टूडेंट्स, बोहर ने ये खास बात बताई कि इलेक्ट्रॉन एवे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के पास भी खुद के कमरे हैं जिसमें वो टिक के बैठ के अपना काम करते हैं, वहीं पर घूमते हैं, वहीं पर रहते हैं, और फिर इन्होंने कमरों को नाम भी दिया और कमरों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताई। यही भी नहीं रुके थे ये, KLMN के बाद ये और डिटेल में गए कि K के अंदर भी कमरे होते हैं, कमरे में भी कमरे होते हैं, ठीक है, L के अंदर भी कमरे होते हैं, M के अंदर भी कमरे होते हैं, और N के अंदर भी कमरे होते हैं, जिनको नाम दिया गया F, P, D और F, ठीक है। लेकिन इनकी बात करेंगे हम आगे की क्लासेस में। अभी की क्लास में मैंने आपको समझाया बोहर का एटम जो बोहर ने दिया, ठीक है, तो बोहर के एटम के अनुसार आप लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे। अब देखिए, याद रखिएगा, के में कितने आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 ही आ सकते हैं, एम में 18 और एन में 32। आगे की बात सुनिए, आगे की बात में हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इसको पढ़ा लेने देती हूं KLMN को, ठीक है। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है कि आखिरी कक्ष में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो फिलिंग बंद हो जाएगी। देखो समझो, मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन के मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन शेल में कैसे आएंगे, तो आप जानते हो हाइड्रोजन जो है वो पहला एटॉमिक नंबर रखता है अपना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन का जेड क्या होगा 1, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही है। अब देखो कक्षाएं क्या है, KLMN, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो आप किस में डालोगे, के में डालोगे, बाकी तो खाली रह जाएंगी, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी, ओनली 1। अगर मैं बोलूं आपको हीलियम की बताओ, तो हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो के एल, तो 2 बस बचा ही नहीं कुछ एल में डालने के लिए। लेकिन अब आगे सुनो, हीलियम के बाद आता है लिथियम, अगर मैं आपको बोलूं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताओ, तो लिथियम का जेड होता है 3, इलेक्ट्रॉन भी होंगे 3, तो के शेल में कितने आई 2 सकते हैं ना, सिर्फ के में तो आई 2 सकते हैं, तो बचा हुआ 1 किस में जाएगा, अगले कक्ष में यानी एल में। अगर मैं आपको बोलूं मैग्नीशियम का बताओ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मैग्नीशियम का बताओ, तो आप कैसे बताओगे, तो आप जानते हो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉन भी होंगे 12, तो के कक्ष में कितने आएंगे 2, कितने बच गए 10 बच गए। अब L में क्या मैं 10 रख सकती हूँ, नहीं रख सकती, क्योंकि L में तो 8 ही आते हैं, तो यहाँ L में भी 8 आएंगे,
अब m में कितने आएंगे, तो बच्चे कितने, दो बच्चे, तो दो कहाँ चले गए, m में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो तत्वों में फिल होते हैं, ठीक है, तत्वों के कक्षों में। अब एक एक करके सबकी मैं थोड़ी आपको लिख के दे देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आप लोगों को कहीं डाउट ना रहे और जिस एक चीज में रहता है वो भी क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ तक करते हैं एक बार, 20 तक, ठीक है। तो एक नंबर है इसका, 2, 3, 4, 5, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक संख्या लिखते हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब भर रहे इलेक्ट्रॉन, देखो जी, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। हाइड्रोजन के पास एक ही है तो के में एक चला गया, हीलियम के पास दो है, दो चले गए, लिथियम के पास दो तो है ही और एक और है, तो दो के में चले गए, एक एल में चला गया। बेरिलियम के पास चार है तो दो दो हो गए, दो तीन हो गए बोरोन के, कार्बन के दो चार हो गए क्योंकि एल में आठ तक तो आ ही सकते हैं ना, तो भरते चलो, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अगले में, 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6। अब ध्यान से देखिएगा, 2, 8, 7, 2, 8, 8 तक तो मैं पहुंच गई। अब आगे आप सोचोगे कि पोटेशियम का होना चाहिए 2, 8, 9, क्योंकि L के अंदर, देखो K, L, M, M के अंदर आप जानते हो 18 आ सकते हैं, तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे एक रूल लिख लो कि हीलियम के अलावा किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे ना, तो आखिरी कक्ष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, आठ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हम, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो जब मैं यहाँ पे देखो, जब मैं पोटेशियम का 2, 8, 9 भर रही थी ना, तो जब इस 8 के अंदर एक और आने वाला था, एक इलेक्ट्रॉन और आने वाला था, तो अगली कक्षा ना खुल जाती है। मतलब होता है ना कि एक लेवल पे आके दरवाजे का खुल जाना, बस वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है ना, तो आना तो एम में होता है, लेकिन एन कहता है कि तेरे पास 8 हो गए, अब तू 8 से ज़्यादा नहीं ले सकता जब तक मेरे पास 8 ना हो जाए, ठीक है। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे जाता है, ठीक है। समझ में नहीं आया ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, बस रट लो इस बात को कि पोटेशियम का 2, 8, 8, 1 होता है और कैल्शियम का होता है 2, 8, 8, 2, ठीक है। क्योंकि ये रूल है कि जब M में किसी भी, या फिर M में ही क्यों मैं बोलूँगी, किसी में भी, K के अलावा किसी में भी 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं ना, तो अगले का दरवाज़ा खुल जाता है, उसको पहले अपने पास चाहिए होते हैं फिर इधर भरेंगे। यानी कि जब हम पहुंच जाएंगे 2, 8, 8, 8 पे, तब यहाँ पे नोवा शुरू होएगा ना, ठीक है। तो इस तक तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कन्फिग्रेशन हम SPDF वाली आ जाती है, ठीक है। हम ये वाली कन्फिग्रेशन ही छोड़ देते हैं, KLMN ही छोड़ देते हैं, SPDF पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक आप बस इतना समझ लो कि पोटेशियम और कैल्शियम की आपको याद रखनी है, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम की आपको याद रखनी है, ये गलत है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमने आपको समझाया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो किस तरीके से बना है, एटम का स्ट्रक्चर बोहर ने किस तरीके से दिया है, और आज हम जिसके स्ट्रक्चर को मानते हैं वो कोई और नहीं, बोहर ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।